नमस्कार, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट इंडिया में। कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में भी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसी दौरान कांग्रेस को अंदरूनी कलह और अपने ही विधायकों के बागी होने का दंश झेलना पड़ रहा है। ऐसे हालात क्यों हैं और इसका सीधा राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, इसी पर आज प्राइम टाइम इंडिया में, प्राइम डिबेट इंडिया में होंगे सवाल जवाब। लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन। नए बोर्ड से गडकरी और शिवराज सिंह बाहर, येदियुरप्पा और सोनोवाल को जगह। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस के पवन काजल और लखविंदर सिंह राणा ने थामा बीजेपी का हाथ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस से संबंधित नई कमेटियों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस का अंतर्कलह आया सामने। गुलाम नबी आजाद का पार्टी के इलेक्शन मुहिम कमेटी के चेयरमैन के ओहदे को कबूल करने से इनकार। आलाकमान के फैसले से नाराज लीडरों ने भी दिए इस्तीफे। मॉब लिंचिंग को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। राजस्थान में मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामले के लिए कांग्रेस की सरकार को बताया जिम्मेदार। तुष्टिकरण की राजनीति को इसके लिए बताया जिम्मेदार और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने इस तरह की कही है बात। रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या को शिफ्ट किए जाने को लेकर कहा कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज प्राइम डिबेट इंडिया में जो विषय है, दरअसल इसका सीधा ताल्लुक पूरे देश की राजनीति से है, क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, न सिर्फ देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बीजेपी दिनों दिन ऐसा लगता है कि मजबूत होती जा रही है। और अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा देशभर में किसी पार्टी से मुकाबला है, ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस से है। और कांग्रेस दिन ब दिन ऐसा लगता है कि अपनी नीतियों की वजह कर, अपने अंदाज के वजह कर वो कमजोर होती जा रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव बहुत करीब है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव की आहट जम्मू कश्मीर में भी सुनी जाने लगी है, चुनाव की आहट कुछ और राज्यों में भी सुनी जाने लगी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, दोनों राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है एन उस समय जब तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने आज हिमाचल में अपने गारंटी और अपने चुनाव वाले वादों का बखान किया, वहीं आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, हिमाचल कांग्रेस के दो बड़े चेहरे दोनों विधायक हैं, उन दोनों ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने हाथों में जो पंजा वाला निशान का जो हाथ, उसमें कमल थाम लिया। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो झटका और ये जो पार्टी को एक तरह से चोट लग रही है कांग्रेस पार्टी को, ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल गुलाम नबी आजाद एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। एक जमाने में वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा में लीडर रहे अपोजिशन के। लेकिन जब से गुलाम नबी आजाद के बारे में यह कहा जाने लगा कि वो अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में काफी दुखी हैं, इसलिए कि उन्हें अपर हाउस में दोबारा भेजा नहीं गया, क्या यह वजह है कि जो नई जो कमेटी का ऐलान किया गया जम्मू कश्मीर कांग्रेस को लेकर, वहां की प्रचार अभियान कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया, वहां की जो राबता कमेटी जिसे हम कहते हैं उसका उनको उनकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी का लेटर मिलने के कुछ ही पलों में रिजाइन कर दिया।
अब सवाल यह है कि उनके रिजाइन करने के साथ साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, ऐसे कई नाम है जिन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो जिम्मा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो उनके ही खेमे के, उनके ही जानने वाले, उनके ही करीबी को सौंपा गया है, विकार रसुलवानी को। लेकिन उसके बावजूद गुलाम नबी आजाद की नाराजगी सतह पर आ गई। सवाल यह पैदा हो रहा है कि एक तरफ जो अभी जो इससे पहले जो निवर्तमान थे प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी हाईकमान का फैसला है वो हमें मंजूर है और उसे सबको मानना चाहिए, तो आखिर गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या ये जो कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है और खेमेबाजी है, इससे आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हिमाचल और कांग्रेस दोनों, जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे कांग्रेस में कोहराम है। इसी विषय पर आज प्राइम डिबेट इंडिया में बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, हम उनका उनको हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन भट्ट, जो एक्स एमएलए हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। गणेश दत्त वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीडिया पैनलिस्ट हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के लीडर हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल से। और प्रोफेसर रमेश चौहान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं। और समीर भट्ट हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ये हमें जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि एक ऐसे समय जब हर एक पार्टी अपने आप को न सिर्फ मजबूत करना चाह रही है बल्कि वो पार्टी का विस्तार करने में लगी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, या फिर कुछ और दूसरे राज्य जहां इलेक्शन होने हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो जिस तरह से सतह पर आ गया है, गुलाम नबी आजाद का खेमा और जीएमएल का खेमा, ये जो दो खेमेबाजी हो रही है, ये क्यों हो रहा है? समीर, देखिए मैं आपको बता दूं, मिसाल इसमें बहुत दो तीन पहलुओं पे हमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप देखिए, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो यहाँ जो जे एंड के कांग्रेस है वो फैक्शनलिज्म का शिकार रही है, और ये नई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप रहे हैं जो आपस में लड़ते रहे और जिससे कांग्रेस यहाँ पे कमजोर हुई। हमें वो भी दिन याद है जब कांग्रेस खासकर जम्मू में बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जिस तरह से एक तो बीजेपी की जो मोदी वेव है उसके कारण, और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी और विभाजन बढ़ता गया, उस वजह से पार्टी बहुत कमजोर हो गई और ग्राउंड पे कमजोर हो गई। आप देखिए, कल की बात है, ये जो मंथन था कई दिनों से चल रहा था कि जीएमईर को हटना है, जीएमईर को हटना था क्योंकि जोधपुर डिक्लेरेशन में पार्टी ने फैसला किया था कि 5 साल से ज्यादा जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं पूरे इंडिया में, जितने भी यूनिट्स हैं वहां के जो अध्यक्ष हैं उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी जो है उसमें एक डिक्लेरेशन पास किया था जोधपुर में, तो जीएमईर का हटना जरूरी था। लेकिन आप देखिए जो इनफाइटिंग है, फैक्शन रिडन पार्टी कितनी है, ये कि पिछले 2 महीने से लगातार कोशिश हो रही थी कि अगर जीएमईर को हटना है तो क्यों, कौन बनेगा, किसको नया अध्यक्ष बनाएंगे, तो पार्टी ने फैसला किया कि सभी जो मंत्री थे, सभी जो पूर्व विधायक थे, पार्टी के सीनियर लीडरान थे या छोटे स्तर के जो लीडरान थे, उनको दिल्ली तलब किया गया, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई और लगातार मंथन चलता रहा कई दिनों तक। उसके बाद क्योंकि गुलाम नबी आजाद फैक्शन यहां पे ताकतवर है, इसी तरह से जो ऑफिशियल था तब के जो जीएमईर फैक्शन, वो भी अपनी जगह, उनका भी अपना दबदबा था, तो दोनों खीमों के लोगों से बात की गई, अलग से बात की गई, इकट्ठे मिलके बैठ के बात की गई। लेकिन जब नतीजा क्या हुआ कि ऐसी चर्चाएं होने लगी कि वकार रसूल को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चला है, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं और बिल्कुल कंफर्म सोर्सेस हैं कि जो गुलाम नबी आजाद है वो वकार रसूल की जगह जो जीएम सरूरी है जो इंद्रवाल से आते हैं, उनको वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उन्होंने कमिटमेंट भी की थी अपने हामियों को कि अब जो सरूरी है वही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो वकार रसूल है उनको जो ऑफिशियल ग्रुप था जीएमईर वाला जो ग्रुप था, उन्होंने उनको जो अपने अपने पाले में ले लिया, उनके साथ बात की, नेगोशिएशंस की, और उनको ऐसी उन्होंने रणनीति की
कि वकार रसूल को ही अध्यक्ष बनाया गया, और जब कल ये खबर आई कि वकार रसूल ही अध्यक्ष होंगे और गुलाम नबी आजाद को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर क्योंकि कमिटमेंट और गुलाम नबी आजाद, क्योंकि उनको कहा जाता था कि आप ही का जो बात है, आप ही की जो बात है वो मानी जाएगी, चाहे अध्यक्ष के लिए और या कमिटीज में, जो कोऑर्डिनेशन कमिटीज में या कैंपेन कमेटी में, शॉर्ट में ये है कि उनकी बात मान ली गई, उनके खेमे कहीं एक जो जो नेता है उनको वहां पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर भी जीएम मीर ने गुलाम नबी आजाद ने रिजाइन क्यों किया, इतनी अहम जिम्मेदारी मिली गई थी और अंदर खाने ये बातें चल रही थी कि वो सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। नहीं नहीं विशाल, इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि जीएम सरोरी को वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जीएम सरोरी को कमिटमेंट भी दी गई थी, उनके हामियों को भी कमिटमेंट दी गई कि अब जीएम सरोरी ही आएंगे, और गुलाम नबी आजाद ने ये अपने लोगों को कह दिया था। लेकिन जब वकार रसूल को गया तो आजाद को लगा कि उनको हाशिए पर लाया गया है, उनकी बात नहीं सुनी। ठीक है समीर, मैं आपके पास फिर आता हूं, कमिटमेंट की बात फिर आता हूं, मैं थोड़ा रुख करूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं गणेश दत्त भी, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मीडिया पैनलिस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रमेश चौहान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये भी हमें हिमाचल से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं गणेश दत्त साहब आपका आपके पास आना चाहता हूं। गणेश दत्त साहब, सवाल सीधा यह है कि आप इस वक्त वहां हिमाचल में रूल कर रहे हैं, बीजेपी रूल कर रही है, और जब ऐसे समय में कि जब बहुत करीब अब आहटे सुनाई दे रही है चुनाव की, ऐसे में जितने इतने वर्षों तक आप जिस पार्टी के नेताओं को विपक्ष में कोसते रहे होंगे, उन्हें बुरा भला कहते रहे होंगे, वो आज आपके पास आ रहे, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा होता है जब सरकार पावर में होती है, पांचवा साल होता है, तो उस समय लोग जो है पार्टी को छोड़ते हैं, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक उदाहरण है कि आज जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सारे देश को एक नई दिशा दे रही है, चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक सुधारों की दृष्टि में, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला और सभी वर्गों की चिंता करते हुए उन्होंने एक नए विकास के आयाम स्थापित किए हैं, और उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश सारे देश में पहाड़ी प्रदेशों का एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित हुआ है और सबके सम्मुख आया है। ये उसी का परिणाम है कि जब पांच साल नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये बीजेपी यानी हिमाचल प्रदेश बीजेपी की मजबूरी है कि वो ऐसे नेताओं को अपने में शामिल करे, या उन नेताओं की मजबूरी है, चाहे वो पवन काजल हो, चाहे लखविंदर हो, उनकी मजबूरी है कि वो पार्टी में आ रहे और जो पार्टी का दामन थाम रहे? वास्तव में पवन काजल जी की और लखविंदर राणा की जो बैकग्राउंड रही है वो भारतीय जनता पार्टी से रही। ठीक है, अभी आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। प्रोफेसर रमेश चौहान, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मोहम्मद अमित भट्ट साहब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित भट्ट साहब, ये कांग्रेस में घमासान क्यों मचा है? इंतखाबात सर पर है, आहटे सुनाई दे रही है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, क्या वजह है, क्यों भगदड़ मची है? सबसे पहले मैं आज आपको मुबारकबाद देता हूं, ईटीवी ने मुझे आज दूसरा दिन है आपको, आपने चैनल हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में शुरू किया है, हम न्यूज 18 है, हम और जम्मू कश्मीर की बात में कहा हूं कि कांग्रेस हाँ नहीं, जी टीवी नहीं है, ईटीवी उर्दू न्यूज 18 जम्मू एंड लद्दाख में आपने शुरू किया है जी, जी, और हिमाचल में, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस से भगदड़ क्यों मची, देख रहे हैं आज क्या हालात है। हाँ। हमको गड़बड़ इसलिए मची है, हमको बुला कर लिया है दिल्ली,
तमाम एमएलएज को और सीनियर कांग्रेस लीडर्स को और एक्स मिनिस्टरों को दिल्ली बुला कर लिया है। हमारे को वहां जनाब गुलाम नबी आजाद मिला है, हमको मिला है रजनी पटेल मिली है वहां पर, अंबिका सोनी मिली है और मिला है ये वेणुगोपाल साहब, वेणुगोपाल जी, उनसे हमारी बात हुई। हमने डिटेल में उनके साथ दो तीन ढाई घंटे बात हुई, अलग अलग बात हुई, एक दिन के बाद दूसरे दिन बात हुई, हमने अपनी बात कही है उनको। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपने जो बात की, हम सिटिंग एमएलए थे जी, हम पांच आठ सिटिंग एमएलए थे, हमारे साथ जीएम सरूरी साहब थे, हाजी रशीद साहब था, एमएलए सोपोर, मोहम्मद अमीन भट्ट, मैं एमएलए दूसर हूँ, सिटिंग एमएलए हूँ, मैंने 25,000 वोट लिए और मुफ्ती सईद के साले को हराया। नहीं वो ठीक है, बेस अभी तक नहीं दिया आपने, क्यों मची है, क्यों गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर लीडर हाईकमान हाईकमान के उस न्योते को, उस जिम्मेदारी दिए जाने को नकार रहे हैं? हाँ, इसलिए कि जो जब उसने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन से इस्तीफा दिया, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी हमने इस्तीफा दिया। आजाद साहब के बगैर जम्मू कश्मीर कांग्रेस जीरो है। तो आप, अगर आपको कोई भी यहाँ प्रेसिडेंट क्यों, इस आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आप गुलाम नबी आजाद के खेमे से हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब के बगैर ये चीजें हो रही हैं? उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया क्या? उनको कई और जिम्मेदारियां दी गई? क्या क्या पता है, उसने बोला मेरे बगैर ये चीजें हो रही है, उसके बगैर जीरो है, यहाँ किसी को भी प्रेसिडेंट बनाओ, लिहाजा यहाँ गुलाम नबी आजाद के बगैर रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीरो है। जब तक कि आजाद साहब को कॉन्फिडेंट में नहीं लिया गया, नहीं लिया जाएगा, और जब तक कि आजाद साहब को यहाँ का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर न किया जाए। तो आप तो अभी कह रहे हैं कि हम सब जाके मिले थे दिल्ली में, बातचीत हुई थी, फिर आप कह रहे जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा, क्या बिना उनके सहमति के उनको ये लेटर पकड़ा दिया गया था? बातचीत की थी। देखो सर, यहां कुछ विंगे हैं कांग्रेस में, विंग्स है, महिला विंग है, 25 साल से जम्मू की प्रेसिडेंट है, यूथ कांग्रेस 10 साल 20 साल से जम्मू का प्रेसिडेंट है, महिला विंग जम्मू कश्मीर, सेवा दल जम्मू कश्मीर, एसटी जम्मू कश्मीर, एससी जम्मू जम्मू का है, सारा जो इंटेक का प्रेसिडेंट है, अब इन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट भी जम्मू का बनाया और प्रेसिडेंट भी आज जम्मू प्रोविंस का बनाया। हम कश्मीरी कहां जाएंगे? हमें भरोसा था कांग्रेस पर। पुराने वक्त जब हमारे दादा दादी होते थे, बोला हमें कश्मीर नेहरू पर भरोसा है। आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं, मुझे रमेश साहब के पास जाना है। मेरा सवाल अमीर साहब आगे ये है कि आप क्या होगा, यानी गुलाम नबी आजाद के बारे में जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं, अगर उसमें अब कोई रद्दोबदल नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आप पार्टी हमेशा के लिए छोड़ देंगे? आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? क्या करेंगे? बस हम गुलाम नबी आजाद साहब जो करेंगे वो हम तैयार है, उसके पीछे हजारों कार्यकर्ता यहाँ तैयार है, हजारों लीडर्स तैयार है गुलाम नबी आजाद के साथ, जो वो करेगा फैसला चलिए उसके साथ। मुझे लगता है कि गणेश दत्त साहब वाकई बहुत खुश हो रहे होंगे कि चुनाव सर पर है, उससे पहले जो विपक्षी पार्टी उसमें इस तरह का घमासान मचाए। प्रोफेसर रमेश चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपने तमाम लोगों को सुन लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक ऐसे समय में जब बहुत दरकार है दोनों पार्टियों को मजबूत रहने की, हिमाचल में कांग्रेस पे जो है वहां पर भगदड़ मची है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का हाल क्या, आपने सुन लिया, मैं आपका आपकी इस पर टिप्पणी जानना चाहता हूं। नहीं नहीं इसमें विशाल जी बात ऐसी है कि मैं अपनी बात को पहले हिमाचल से शुरू करता हूं। जी मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। हाँ, तो हिमाचल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले दो महीनों के बाद जो है हिमाचल में चुनाव होने हैं, एनी टाइम बाय मिड ऑफ अक्टूबर और नवंबर चुनाव ड्यू है, और ये सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि जब चुनाव का मौसम आता है तो राजनीतिक दलों में जो है उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब जिस प्रकार से दो लोग कांग्रेस के जो विधायक है ये भाजपा का दामन थाम लिए है जी, और जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह ही रहे थे अभी और बात करते करते उनका ऑडियो लिंक कट गया,
वो दोनों पहले जो है उनकी बैकग्राउंड जो है उनकी पृष्ठभूमि जो है भाजपा से ही रही है, और फिर वो किसी कारणवश काजल को टिकट नहीं मिला तो रेबल के तौर पर जीते हैं, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लखविंदर राणा कांग्रेस टिकट पे जो है नालागढ़ से एमएलए पहले भी रहे, अब दोबारा से जीते हैं, तो पृष्ठभूमि तो बीजेपी की है इनकी भाजपा की। लेकिन कांग्रेस में ये उथल पुथल मचने से पहले जो है भाजपा में भी ऐसा हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है खिमी राम जी, जो कि मुख्यमंत्री के ही गृह जिला से है, कुल्लू से जी, मंडी से है और कुल्लू मंडी सराज इलाका है ये, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है अभी कुछ ही समय बीता है। और उसी प्रकार ठियोग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से पूर्व में जो भाजपा के विधायक रहे हैं स्वर्गीय राकेश वर्मा जी, उनकी पत्नी ने इंदु वर्मा जी ने अभी हाल में ही जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन किया है जी। तो अभी सवाल ये है रमेश चौहान साहब की, ये सिर्फ एक किसी स्टेट या यूटी की बात नहीं है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये भी कर रहे हैं कि किस तरह से अभी गुलाम नबी आजाद एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो किस तरह मतलब ऐसा लगता है जैसे वो रिवॉल्ट पाथ पर खुलकर सामने आ गए। तो चुनावों से पहले जितनी पार्टी को सक्रियता दिखानी चाहिए क्या उसमें कमी नजर आ रही है? क्या कांग्रेस को इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस के पास कोई जो है कोई अभी परमानेंट उनको अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर? क्या कुछ आंतरिक सांगठनिक की कुछ कमियां हैं जो कांग्रेस को ये नतीजा दिखा रही है? हाँ, ये विशाल जी जरा थोड़ा ज्यादा बड़ा विषय हो गया है, क्योंकि अगर आप पूरे कांग्रेस संगठन पे ही और नेतृत्व पे कुछ जान मेरी ओपिनियन को जानना चाहते तो बात यह है कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्व के स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर दोनों ही स्तर पर जो है वो जूझ रही है, और संघर्ष भी मैं कहूंगा कि संघर्ष करते हुए भी नजर नहीं आ रही है, ना तो नेतृत्व के प्रति इनकी कोई ऐसी स्पष्ट दिशा है या निर्णय लेने की क्षमता दिख रही है कि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और पूर्णकालीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में नहीं है। कार्य समिति के जितने भी नॉमिनेटेड जो भी उनके जो मेंबर्स है, जो इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की जी, उसको लेकर पार्टी के नेतृत्व को लेकर संगठन के अंदर नई जान फूंकने को लेकर ये जो G23 के नाम से गुलाम नबी आजाद और दूसरे लोगों ने जो है एक कांग्रेस अध्यक्ष को अपना उनके जो अपने सुझाव थे जो इनको लगा के पार्टी को कुछ संगठनात्मक और नेतृत्व के स्तर पर जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो उसको बड़े एक अलग तरीके से पार्टी के जो 10 जनपद के या कहेंगे कि भाई हाईकमांड कल्चर जो कांग्रेस में उनके नजदीकी के जो थे उन्होंने उसको एक दूसरा ट्विस्ट देने का कोशिश किया। अच्छा, मैं आपसे बस थोड़ा सा संक्षेप में ये जानना चाहता हूँ रमेश चौहान साहब कि हिमाचल में जो कुछ अभी हुआ है, 2 विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं गणेश दत्त साहब, उनका कहना है कि उनकी पृष्ठभूमि भी ऐसी रही थी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इन 2 विधायकों के इधर से उधर जाने को क्या माना जाए वहां हिमाचल के अंदर में, ये कांग्रेस की कमजोरी है या फिर बीजेपी ने इतना काम कर लिया है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी ये लग रहा है कि काम की वजह कर तो हम जो है कहीं ठहरेंगे नहीं जब जनता के बीच ये चुनाव आएगा? देखिए विशाल जी, पार्टी प्रवक्ताओं की एक अपनी मजबूरी होती है, उनको पार्टी लाइन पे ही बात करनी होती है। अगर एक फेयर और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपको जस्ट शुरू में कहा था कि ये चुनाव का मौसम है, डिजर्टर जो है पार्टियां छोड़ के जिनको टिकट की आस नहीं रहेगी या जिनको लगता है कि नहीं उधर को ग्रीनर पास्चर की तरफ कुछ ज्यादा है, तो ये इधर से उधर उधर से इधर ये चलता रहेगा उठा पटक और ये खेल तमाशा। लेकिन ये नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने घर को कैसे संभाल के रखे। गणेश दत्त साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी आवाज बीच में रुक गई थी और मैंने अभी सब लोगों से बात कर ली है। मैं अमीन भट्ट साहब आपके पास मैं आऊंगा। एक सवाल गणेश दत्त साहब से है,
गणेश जी, क्या इसको एक मतलब बीजेपी इसको एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देख रही है कि चुनाव से पहले होता है दल बदल, जैसे बहुत सारे अभी एग्जांपल दिया अभी रमेश चौहान साहब ने कि बीजेपी के भी कुछ बड़े लीडर जो है कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस भी आपके पास आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसे आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये पार्टी की मजबूती का प्रतीक है कि विपक्षी पार्टियों के विधायक भी आपके पास आ रहे हैं? हाँ देखिए, पार्टी हमारी पहले से मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है। इस समय हिमाचल प्रदेश में हमारे 44 विधायक अपने हैं पार्टी के, लेकिन मैंने जैसे कहा कि चुनावी वर्ष में और चुनाव से 2-3 महीने पहले कोई भी अगर पार्टी का दामन थामता है विपक्षी पार्टी का, तो उसका एक सीधा अर्थ निकलता है कि आने वाला समय उस पार्टी का है जिसके प्रति लोगों का आकर्षण बना हुआ है। उसका कारण यह है कि जो समझदार लोग हैं आज की डेट में, उनको पता है कि केंद्र में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिमाचल की पूरी परोपकार है, पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में हर भगत उनका ध्यान रहता है, और हिमाचल के मुख्यमंत्री रात दिन काम करने में लगे हैं। एक गरीब परिवार से निकल करके आए हैं, गरीब की चिंता करते हैं और गरीब समाज की चिंता करते हैं, और उनकी कार्य प्रणाली जो 5 साल के लगभग की रही है वो जनहित की रही है और जन कल्याण की रही है। उसी से आकर्षित होकर के लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो हम इसको एक बोनस के रूप में देखते हैं। चलिए, आप इसे बोनस के तौर पे देखते हैं, लेकिन जिस पार्टी से लोग छोड़कर बीजेपी में गए हैं उसके नेता का हाल ये है कि उनके यहां आपस में ही तलवारें खींची हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको सुनकर ये अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात है, कांग्रेस के अंदर आपस में ही लोग लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं, तो जाहिर है कि इसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा। क्या कांग्रेस और टूटेगी और कमजोर हो जाएगी जम्मू कश्मीर में? मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, मेरी अपील है मैडम सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और आजाद साहब से कि रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत है। अगर गुलाम नबी आजाद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में गुलाम नबी आजाद ने पहले भी जब उसको यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर बनाया गया उस वक्त हमारे पास 2 सीटें थी, और जब उसको सदर बनाया गया 25 सीटें उसने जीती है, तब उसने हुकूमत पीडीपी के साथ बनाया, उसके बाद 17-18 सीटें जीती है उसने, उसने उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाई, फिर लिया उसके बाद 12 सीटें, फिर हुकूमत अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा बनाया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा पीडीपी की हुकूमत? यहाँ कांग्रेस 0 है, अगर आजाद साहब नहीं होगा कांग्रेस रियासत जम्मू कश्मीर में 0 है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, समीर भट्ट साहब, प्रोफेसर रमेश चौहान, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब और गणेश साहब, शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और आप दर्शकों से अब आज्ञा लेना चाहेंगे, आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।